मॉर्निंग एवरीवन। सो ये हमारा डे 3 एट मालदीव्स। यहाँ पे हर एक विला के बाहर एक हैमक है। सुबह उठने के बाद मैं पहले बीच पे आया, मस्त यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास किया। जब हम लास्ट टाइम भी मालदीव आए थे तो भी रिजॉर्ट पर रुके थे, बट वहाँ पे भी बीच इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं था जैसा यहाँ पे है। कितना क्लीन है पानी यहाँ का। आई स्टैंड हियर, ओके, सी, आई फाउंड अनदर कोरल। फटाफट तैयार होके ब्रेकफास्ट करने जाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट 9:30 तक और ऑलरेडी 8:45 हो गया है। अनायका तो सो गई उठ के, तो पता नहीं, बट एट लीस्ट हम लोग रेडी हो जाएंगे। जैसे ही जागेगी विल जस्ट टेक हर विद अस। आई डोंट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। हर बीच विला, हर विला के बाहर ऐसा एक शावर या फिर टैप होता है, यू कैन एक्चुअली क्लीन योरसेल्फ बिफोर एंटरिंग इनसाइड आवर ब्यूटीफुल विला। अब हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। 9:15 हो गया है। ब्रश व्रश करके अनायका भी उठ गई है। अच्छा तरीका था, रितु ने कहा कि फटाफट पर्दे वर्दे हटा के थोड़ा सा उजाला कर देते हैं रूम में, और वो ऑटोमेटिक खुद उठ गई। तो उसको लगा वो खुद से उठी, अगर हम उठा लेते तो फिर तो पंगा हो जाता। अब वो उठ के नानी के साथ इंजॉय कर रही है। अनायका, नानी और कुकी बीच का आनंद लेते हुए सुबह सुबह। हम इसका डर हटा रहे हैं, इसका डर हटा रहे। कल इसको इसको पानी में अच्छा नहीं लगा था। फर्स्ट टाइम इसका जो बीच एक्सपीरियंस है वो इतना वाव नहीं था, तो अब इसको डर लग रहा है। इसको डर लग रहा है, अभी इसको हम थोड़ी देर बाद लेके आएंगे फिर से पानी में। वो ब्रेकफास्ट बोकुरा में ही होगा, जो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने कल लंच और डिनर किया था। तो आफ्टर अ ब्रीफ पॉज हमको वापस फटाफट अपने रूम में आना पड़ा। नायका क्या कर रही बेटा? ना वो आज पता नहीं अलग ही मूड में है। उसने उसका डायपर चेंज करना पड़ा, हम डायपर बैग नहीं ले गए थे, सोचा ब्रेकफास्ट करके ही तो आना है। बट वैसे ही होता है ना, जो नहीं प्लान करो, जो नहीं सोचो वो तभी होगा। तो बस उसको वापस लेके आना पड़ा फटाफट डायपर चेंज के लिए। बट देन मैंने भी सोचा यार थोड़ा अपन भी अपना हुलिया ठीक कर ले, थोड़ा ड्रेसअप हो जाए एज ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे। ब्रेकफास्ट टाइमिंग मैंने कहा था 9:30 तक ही है, 9:30 बज गया है। तो स्टार्ट विद मैं ले रहा हूँ फ्रेश एप्पल एंड बीट रूट जूस। मैं बाकी चीज़ लेके आ गया था, आई विल शो यू। बटर क्रोसा, चीज़ क्रोसा, थोड़ा सा चॉकलेट पुडिंग, मूसली, बेक जूसर। तो यहाँ पे भी वैसे कॉन्सेप्ट है जो माले में था, दैट जो भी ब्रेकफास्ट टेबल होता है, बुफे टेबल होता है, वहाँ ऐसे फ्रूट्स, मूसली और कुछ ब्रेड्स के आइटम होते हैं, एंड देन बाकी आपको अपने टेबल पे ऑर्डर करना पड़ता है। तो यू नीड टू ऑर्डर इट ऑन योर टेबल, बट ये सब आप यहीं से ले सकते हो। मुझे अभी तक तो रितु और मुझे अच्छा क्रोसो नहीं मिला है, क्रिस्पी जो मस्त फ्लेकी हो। हमेशा सॉफ्टी होते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, बट वो ऐसे होते हैं। तो ये देखते हैं कैसा है। आई एम होपिंग कि ये वाला अच्छा हो। यहाँ पे ऑल ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं, वेजीज हैं, एंड दे हैव फ्लैक्स सीड्स, पुडिंग, ड्रेसिंग्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो मम्मी ने ऑर्डर पहले ही कर दिया था क्योंकि मम्मी पहले ही आ गई थी। मम्मी ने अपने लिए पनीर पराठा आया है। लेट्स ट्राई पनीर पराठा। वैसे भी पनीर पराठे में इतना ज़्यादा फ्लेवर होता नहीं है, अनलेस उसमें बहुत बटर वगैरह डालो। तो गुड कि नहीं डाला है, मम्मी ने अपने लिया था तो हेल्दी वर्जन लिया था, लेस बटर, लेस घी जो भी डालते हैं, तो उसके हिसाब से टेस्ट अच्छा। अच्छा, भीड़ है आज तो यहाँ पे, मुझे नहीं पता था इतने लोग हैं अभी, पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अनायका गुस्से में बैठी कि उसका खाना नहीं आया। अनायका, कोई रिएक्शन नहीं है। तो फिर अभी ऑर्डर तो दे दिया है हमने, हमारा सबने अपना अपना फेवरेट दे दिया। एक मसाला डोसा लिया है, सोचा एक समोसा है, समोसा भी है मेन्यू में, समोसा भी ऑर्डर किया जाए। मसाला डोसा,
आई हैव मेलन सीड्स हियर, थोड़े से मेलन सीड्स पार्फे टाइप से बनाते हैं, थोड़ा सा चिया सीड, वैसे चिया सीड्स को पानी में रखना चाहिए, 1/4 स्पून ऑफ फ्लैक्स, बस अब ज़्यादा हो गया तो गंद हो जाएगी। खाने में कैसा है? ऐसे तो टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है सब, गुड। खाना आ गया है मैंगो बनाना प्यूरे, ऐसा लगेगा कि इसको अच्छा लग रहा है, बट पहले 4-5 चम्मच तो ऐसे भी खा जाती है, बट अब देखते हैं कैसा लग रहा है आपको, व्हाट्स योर रिएक्शन। तो ऋतु को देखने के बाद मेरा भी मन हुआ कि क्रैकर के साथ ऐसे खाया जाए चीज को, तो कौन सा चीज़, तो मैं दो ही ले आया, दोनों चीज़ लगा के अपन ऐसे सैंडविच लो, दिस इज अ चीज एंड क्रैकर सैंडविच। क्या हो गया बोबो, यू लाइक योर फूड राइट? देन मुँह ने भी खाया, नोजी ने भी खाया, शी इज डन, हो गया रितु मत कर। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम ऐसे ही बीच साइड निकले, अभी फिर से धूप हो गई बहुत ज़्यादा एंड अभी गेस्ट अराइवल का टाइम है, तो सारी जैकेट वगैरह सब इधर तैयार हो रही हैं और अनायका को फिर से फ़ोन का रेड बटन टच करना है। पे मोटराइज जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं उनके चार्जेस होते हैं, नॉन मोटराइज जैसे अगर आपको ये कायाक लेना है ग्रीन कलर का, उसका कोई चार्ज नहीं है। बहुत गर्मी है, सोच रहे हैं मम्मी के लिए आज स्पा का बात करें, तो वी कैन बुक अ स्पा फॉर हर टुमारो, आज का ही करें कि कल हम लोगों को वाटर विला में शिफ्ट करना है, तो थोड़ा पैकिंग करनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आ गए हैं गिफ्ट शॉप पे, तो हम लोगों को ये पसंद आए थे कल, हाँ, ट्रेडिशनल वुडन मिनिएचर्स। सो वी आर बैक टू आवर रूम, अभी अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे एंड हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा पैकिंग भी कर लें कल के लिए, बिकॉज फिर क्या शाम को मन नहीं करता इतना, तो थोड़ा बहुत पैकिंग करके क्योंकि कल वाटर विला ट्रांसफ़र है, सब रेडी रख लेंगे। नायका जी के अपने मज़े चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं, आराम करके तैयार होके सब रेडी हैं, अनायका रेडी है, मम्मी रेडी है, रितु रेडी है, लेट्स सी। सोच रहे हैं एक दूसरा रेस्टोरेंट जाएंगे, एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बर्गर सैंडविच वगैरह मिलता है, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। अनायका कहाँ जा रहे हैं हम, कुछ बोलेगी, तुझे समझ आता है हम किधर हैं? मालदीव्स में हैं, पासपोर्ट है अपने पास, कुछ पता है? अनायका को कुछ नहीं पता, उसको कोई मतलब नहीं है, हम बस यही, बहुत धूप है, हम यही सोच रहे हैं कि बस फटाफट खा लें क्योंकि 2:15 हो गए और 2:30 बजे पक्का पता है 2:30 से 3 के बीच में ये क्रैंकी होगी, क्योंकि इसके भी खाने का टाइम है, इसको भी वहाँ देंगे। तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करके लेके आए थे घर से फूड, तो रितु ने बहुत सारा पाउडर्ड फॉर्म में फूड ले लिया था एंड वही हम इसको अभी गर्म पानी में मिला के दे सकते हैं। गांगुली जी कहाँ जा रहे हैं अपन? I guess for American restaurant. For having burgers or pizzas. Let's see. What's the menu? Mummy, आप क्या खाओगे? Sandwich. Mummy को थोड़ा सा healthy कुछ खाने का मन है, तो she wants to eat healthy sandwiches. अभी बाहर नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हैं, बट ट्रस्ट मी शाम को ये पूरा एरिया फुल हो जाता है,
एवरीबॉडी प्रेफर्स टू सेट हियर। अनायका को देखिए आप, ये अपना ही बिजी। क्या खाई बेटा? तो यहाँ पे क्या मेन्यू है? सो लेट्स एक्सप्लोर द मेन्यू। खाना आ गया है। मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा वेर्दुरे वेजीज के साथ, थिन क्रस्ट है, एक तो मस्त रहा गरम गरम। यहाँ पे है ब्रुशेटा थ्री वेज। मम्मी का है, क्या है मम्मी आपका? एग प्लांट पनीर सैंडविच। एग प्लांट बोलो तो बैंगन। तो मस्त, एक तो मस्त रहा है। अनायका जी का हो चुका है, वो अपने में मस्त हैं। स्टार्ट डिगिंग। मैंने कहा था बर्गर बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो हमारा बर्गर आ गया है ग्रीन ऑल वेजी बर्गर। दिखने में तो नॉर्मल ही है, बट पता नहीं क्यों बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैं कहा खाएंगे ज़रूर। वी डिड नॉट आस्क फॉर साइड्स क्योंकि ऑलरेडी फ्राइज हैं। फ्रोजन योगर्ट, ये है फ्रोजन योगर्ट। एप्पल पाई संडे। तो लंच करने के बाद अब हम थोड़ी देर इन्फिनिटी पूल देखने आए हैं। अनायका को ट्राई करेंगे। अनायका को अच्छा नहीं लगा, पूल में ट्राई किया, उसके पैर डुबाए, बट फिर वो रोने लगी, उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लगा था कि बीच का तो सिर्फ समझ आता है, पूल में उसे अच्छा लगेगा, बट नहीं लगा। तो अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए अभी विला के अंदर। अब कुकी को, अनायका को अब हम तैयार करते हैं, नहलाते हैं एंड फिर उसको सुलाते हैं, हम भी थोड़ा आराम करेंगे। एवरीवन, तो 2-2.5 घंटे की अच्छी नींद हो गई है और अब हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। अनायका भी उठ गई है और सब रेडी हैं, बस मैं ही रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं उसको रेडी कर रहा था। तो अब फटाफट जल्दी रेडी होते हैं। आज हम मैक्सिकन रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन है हमारा ताज के ही, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा खाना है। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, जो मैं आपको बोला था मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। लेट मी शो यू कैसा है। दिस इज द किचन एरिया। नो कुकी, अनायका। ओके, सो दिस इज आवर टेबल, यू कैन सी अ स्पेशल प्लेस। दिस इज द डेक, ऑल द टेबल्स, नॉट मेनी टेबल्स, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 टेबल्स होंगे। वो किचन एरिया है, लिटिल गज़ीबो सेटअप फॉर फैमिली, नाइस कोजी कॉर्नर। बट जब मालदीव्स में हैं तो इधर बाय द पूल, अगर आपको बाय द ओशन नहीं मिलता है, बट बेस्ट वुड बी बाय द ओशन। तो हमने ऑर्डर किया था बटरनट स्क्वॉश कोकोनट सूप, एक तो बहुत यमी रहा है। अच्छा है, थोड़ा स्वीट है बट अच्छा है। दूसरी चीज़ ऑर्डर की थी हमने नाचोस, चीज़ी नाचोस मेक्सिको का। ये भी कुछ काइंड ऑफ सिगार रोल्स हैं। और फिर हमने ऑर्डर किए थे टैकोस। मैं तो सैलेड बोला था ना। तो अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं सब लोग। अनायका का डिनर हो गया है एंड शी इज सो हैप्पी टू सी द लाइट। उसको ये भी खाना है ना, ही खाते ये। तो हमने एक और चीज़ ऑर्डर की है, ये कोई मेक्सिकन सैलड है, केजन स्पाइस, बिल्कुल एकदम लच्छा टोकरी जैसी है। ये मेज़ का बास्केट बना है, मेज़ फ्लावर का, एंड मस्त सार क्रीम और इस पे ऊपर बीन्स हैं, टमेटो स्क्वॉश है, बहुत कुछ है। सिजलिंग हॉट फाइटास, यू कैन सी ऑल द वेजीज हेयर। यहाँ पे टॉर्टिया है, बीन्स हैं, राइस, मेक्सिकन राइस हैं, सालसा है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो लाइक एज रोटी टाइप से, और यू कैन एक्चुअली मेक अ रैप उसमें सब मिक्स करके। थोड़ी सी मेहनत है बट बहुत बढ़िया लगता है। इट्स टाइम फॉर डेजर्ट्स। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया है मैंगो मैस्कारपोना, एक तो बहुत टेम्पटिंग रहा है। ये क्या था? दिस इज ट्रेसलेशियस। हाँ, ट्रेसलेशियस, और ये चॉकलेट का कुछ है, मस्त है। तो हमारा डिनर हो गया है, नाउ वी आर हेडिंग बैक। 10 बज गया है, 10:15। ये वही रेस्टोरेंट है जो मॉर्निंग में हम लंच किया था यहाँ पे। ये वो मेन रेस्टोरेंट है बोकुरा। तो अब तक तो आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे 3 ही रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऑप्शंस हैं, 3 हैं, बट खाना बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है day 3 और अभी बज रहे हैं 9। हम लोग सो के उठे हैं, अनायका तो 8 बजे से उठी हुई है। मम्मी भी बढ़िया उठ के कॉफ़ी वॉफ़ी लेके अपना बीच साइड बैठ के मस्त सुबह से योगा किया,
अब नायका अपनी मस्ती कर रही है और अब उसको थोड़ी देर में नींद आएगी और हमें भागना है ब्रेकफास्ट की तरफ। आज थोड़ा सा शिफ्टिंग का भी काम है बिकॉज कल बताया था मैंने, आज हम लोग वाटर विला में शिफ्ट करेंगे, तो अभी हम लोग हैं बीच विला में और अब हम जाएंगे वाटर विला में। तो मैं आपको वाटर विला का टूर भी दूंगा